तो यार मिसफिट ऑफ द डेमन किंग एकेडमी के सीजन 2 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिल चुका है, जिसे देखकर लग रहा है कि जल्दी सीजन 2 का प्रोडक्शन जो है शुरू होने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस, मैं आ चुका हूं एक और एनिमे अपडेट के साथ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं मिसफिट ऑफ द डेमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के रिलीज डेट अपडेट के बारे में, जो इशारा है कि प्रोडक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जिस तरीके से मिसफिट ऑफ द डेमन किंग एकेडमी का सीजन 1 2020 का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे रहा, और इसी चीज को देखते हुए अब सीजन 2 को लेकर काफी ज्यादा हाइप है, जो कि सबसे बड़ा क्रेडिट इसका मेन प्रोटैगनिस्ट एनोस वोल्डिकोट को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मेन प्रोटैगनिस्ट को एज अ डेमन किंग आल्सो बैडेस्ट कैरेक्टर दिखाया गया है, वो यार कमाल का है। अब यार देखते हैं कि सीजन 2 में क्या कमाल होता है। तो यार अपडेट जो हमें मिला है सीजन 2 को लेकर, वो ये है कि सीजन 2 के लिए जो वॉइस एक्टर है वो चेंज हो रहे हैं, खासकर एनोस वोल्डिकोट के लिए, जो कि मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का। तो यार जो सीजन 1 के वॉइस एक्टर थे तात्सुहिसा सुजुकी, उनका वॉइस कमाल का था एनोस वोल्डिकोट के लिए, और अब सडनली सीजन 2 के लिए वॉइस चेंज हो रहा है। तो यार थोड़ा सा चेंजेस हमें जरूर देखने को मिल सकता है, आई होप कि ज्यादा चेंजेस हमें देखने को ना मिले सीजन 2 में। और वैसे भी इन्होंने कोई रीजन नहीं बताया कि क्यों वॉइस एक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन यार गुड न्यूज ये कि इससे पता चल रहा है कि सीजन 2 का प्रोडक्शन जो है जल्दी शुरू होने वाला है, जो कि यार वो तैयारी कर रहे हैं सीजन 2 को एनिमेट करने के लिए। और वैसे भी यार सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और ये सब मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूं। तो यार सीजन 2 जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है एक टीजर के साथ, बट यार वो टीजर कुछ खास नहीं था, क्योंकि सीजन 2 से रिलेटेड कुछ भी उसमें नहीं था, जो कि यार काफी बेकार था। लेकिन यार अच्छी बात ये है कि सीजन 2 जल्दी आने वाला है, और सीजन 2 हमें लंबे समय तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार सीजन 2 में 24 एपिसोड होने वाला है, यानी कि सीजन 2 जो है वो दो कोर में होने वाला है। तो यार इसका मतलब ये है कि सीजन 2 काफी कमाल का होने वाला है, और हम फैंस को काफी मजा देने वाला है। तो यार आई थिंक कि सीजन 2 सीजन 1 से काफी बेटर होने वाला है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यार बात यहाँ पे आकर अटक जाती है कि सीजन 2 कब तक देखने को मिलेगा। वैसे तो यार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि समर सीजन या फिर फॉल सीजन 2022 तक हमें सीजन 2 देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है और ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन कभी भी शुरू हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सीजन 2 का जो फर्स्ट कोर है वो हमें स्प्रिंग सीजन 2022 तक देखने को मिल सकता है, और जो सेकंड कोर है वो हमें फॉल सीजन 2022 तक देखने को मिल सकता है। तो यार ये तो एक एस्टिमेशन है, देखते हैं कि कब तक इसके रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हमें मिलता है। बट यार फिलहाल तो अच्छी बात ये है कि हमें सीजन 2 के प्रोडक्शन को लेकर कुछ तो हिंट मिला, जिसे हमने एस्टिमेट किया कि यार हाँ कब तक सीजन 2 देखने को मिल सकता है। तो यार बस आज के लिए इतना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं एनिमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो गुड बाय।